नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं चेतना मंच। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस चुनाव के सबसे प्रबल दावेदार अशोक गहलोत ने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। बैठक के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो घटना हुई उसका मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से आरंभ हुई तथा 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से स्पष्ट पत्ते खोले नहीं गए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा दिग्विजय सिंह को पार्टी आलाकमान की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने की चल रही थी। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी ले लिया है, लेकिन अभी तक अशोक गहलोत की तरफ से पार्टी ने खुलकर दिग्विजय सिंह की पैरवी नहीं की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने का वक्त बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ऐसे में चर्चाएँ हो रही हैं कि आखिर पार्टी के चुनिंदा नेताओं की ओर से आधिकारिक अध्यक्ष पद का प्रत्याशी कौन है। पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अभी तक तो आलाकमान ने भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में चर्चा सबसे ज़्यादा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल द्वारा लिए गए पर्चे की हो रही है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 सितंबर की देर शाम तक पवन बंसल की ओर से लिया गया नामांकन पत्र कोई बहुत बड़ा गुल खिला दे। लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पवन बंसल ने अध्यक्ष पद के लिए ये पर्चा पार्टी के कद्दावर नेता के कहने पर लिया है, क्योंकि पर्चा लेने के बाद खुद प्रत्याशी होना या प्रत्याशी का समर्थक या प्रस्तावक होना बेहद जरूरी होता है। पवन बंसल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो पर्चा लिया है वो बतौर प्रस्तावक ही लिया है। सूत्रों का कहना है कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पवन बंसल ने ये पर्चा किसके लिए लिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंतिम समय में आलाकमान किसी प्रत्याशी को बदले तो कोई एक और ही नया प्रत्याशी सबके सामने आ जाए और वो पवन बंसल के प्रस्तावक वाले पर्चे पर अपना नामांकन कर दे, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पवन बंसल ने किसके लिए यह पर्चा खरीदा है। इसलिए कयास के तौर पर गांधी परिवार के लोगों का भी नाम चर्चा में चल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी नाम की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट के विधायक गोविंद राम मेघवाल ने अब धमकी दी है कि यदि दूसरे गुट के नेता को सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इशारों में सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे शख्स ने दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। साथ ही गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक बार फिर सचिन पायलट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बीजेपी और अमित शाह के ऑफिस एवं घर जाकर बैठा हो, जिसके पास हरियाणा पुलिस का पहरा रहा हो, हम उसको सीएम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता हमको छोड़ेगी नहीं और हम अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली बुलावे को एक बार फिर कांग्रेस कमान मिलने के नज़रिए से देखा जा रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में एक बार कांग्रेस कमान को लेकर कमलनाथ का नाम चलने लगा है। अब ये अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कमलनाथ को दिल्ली राजस्थान में सियासी घमासान से उपजे संकट का समाधान खोजने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस के भीतर भी काफ़ी विरोध हो रहा है। पीएम मोदी भी कई मौक़ों पर इशारों में कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा चुके हैं। इसे देखते हुए गांधी परिवार ने अब की बार गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की ठानी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ कई राज्यों के प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की अपील की, लेकिन राहुल गांधी के मना करने के बाद साफ तौर पर यह तय हो गया
कि अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर से होगा। इसे देखते हुए अब पार्टी के कई नेता अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। कई नेताओं के नाम चर्चाओं में भी हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष 24 साल बाद गैर गांधी होगा। लेकिन बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो बैठक से पहले यह दावा किया जा रहा है कि राजस्थान मामला एक दो दिन में सुलझ जाएगा, लेकिन बैठक के दौरान और बैठक के बाद पवन बंसल द्वारा खरीद गए पर्चे को लेकर गहलोत गुट के विधायकों के बयानों ने इसे और उलझा दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।